नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल तथा लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। दोस्तों हनुमान फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है, चाहे वो गुंटूर क्रम हो, चाहे दोस्तों मेरी क्रिसमस हो या दोस्तों कैप्टन मिलर हो। दोस्तों बजरंगबली का प्रताप ही ऐसा है, जब फिल्म में हनुमान आ जाते हैं और उनको एकदम वास्तविक रूप में दिखाया जाता है, एक सच्चे मन से दिखाया जाता है, तो फिर दोस्तों उनका आशीर्वाद मिलता ही है। तो यहाँ पे प्रशांत वर्मा को, तेजा सज्जा को, भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिल गया है ऐसा लगता है। राम आएंगे, राम आ रहे हैं 22 तारीख को, हनुमान जी आ चुके हैं ऑलरेडी थिएटर्स में। दोस्तों थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, सभी लोग छतों पे छठे हुए हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, वो काटा वो मारा की आवाजें आ रही है, कुछ गाने बज रहे हैं, कई भजन बज रहे हैं, तो बीच में आपको डिस्टर्बेंस जरूर होगा। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट करिए। मैंने सोचा आपको न्यूज दे देते, फिर मैं भी जाऊंगा, थोड़ी पतंग उड़ाऊंगा। तो दोस्तों डे जीरो को 4.15 करोड़ का कलेक्शन आया। ये डे जीरो का मतलब यहाँ पे पेड प्रीमियर शो से है कि पेड प्रीमियर शो जो रिलीज से पहले फिल्म ने इतना ज्यादा कलेक्शन कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों डे वन को आया 8.05 करोड़ रुपीज, कल मैंने 7.5 करोड़ बताया था आपको, लेकिन आया है 8.05 करोड़ का, जिसमें से दोस्तों तेलुगु का 5.89 करोड़ का, हिंदी का 2.1 करोड़ का, और दोस्तों तमिल का 3 लाख का, कन्नडा का 2 लाख का, और मलयालम का 1 लाख रुपए का कलेक्शन आया है। वही दोस्तों बात करें डे टू की, तो डे टू का कलेक्शन दोस्तों पहले दिन के मुकाबले 50% से ज्यादा का भी ग्रोथ फिल्म के कलेक्शन में है। करीब 55.65% का ग्रोथ देखने को फिल्म में मिला है। और दोस्तों कल की जो कलेक्शन की रिपोर्ट है वो 12.53 करोड़ की है, 12.53 करोड़ का, और इतना कलेक्शन ना तो गुंटूर क्रम का आया है और ना ही दोस्तों मेरी क्रिसमस का है। जिसमें से दोस्तों आपको बता दूं कि तेलुगु में 8.40 करोड़ का आया और हिंदी में 4.13 करोड़ का, मतलब हिंदी में जो पहले दिन 2.10 करोड़ का आया था उसका 100% बढ़ गया कलेक्शन, 100% कलेक्शन बढ़ा है और 4.13 करोड़ आया है। तो ये कमाल है हनुमान का, जब आप अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छी भावना के साथ, अच्छी श्रद्धा के साथ, अच्छी भक्ति के साथ बनाते हैं, बॉलीवुड की तरह नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने आदि पुरुष में कबाड़ा किया था, कितना अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था बजरंगबली जी के डायलॉग, हनुमान जी के डायलॉग भगवान श्री राम को, तो ये बॉलीवुड वालों की बस की बात नहीं है। दोस्तों साउथ वाले जो फिल्म बनाते हैं और जहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति को दिखाते हैं, वो बात ही काबिल तारीफ होती है। हनुमान चालीसा जब क्लाइमेक्स में बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 दिनों का टोटल हो गया 24.73 करोड़ रुपीज, और ओवरसीज से 2 दिनों में फिल्म ने 9.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, तो टोटल इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है 2 दिनों का 40 करोड़ से 42 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 दिन में कर लिया फिल्म ने। फिल्म ने अपना बजट कवर कर लिया, 40 करोड़ फिल्म का बजट है, तो 2 दिन में ही बजट कर लिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर होने की ओर अग्रसर हो रही है और हिंदी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ना केवल तेलुगु में सारी शो हाउसफुल है, बल्कि दोस्तों हिंदी में भी शो हाउसफुल जा रहे हैं, मेरी क्रिसमस से ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। हिंदी का टोटल 2 दिनों का हो गया 6.15 करोड़ रुपीज का, और कल तेलुगु थिएटर ऑक्यूपेंसी 82.94% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, जो कमाल है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है। अब बात करें डे 3 यानी आज की, आज 2.92 करोड़ का कलेक्शन फिल्म एडवांस बुकिंग ले चुकी है, 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग, तो डेफिनेटली आज फिल्म 14 से 15 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, 14 से 15 करोड़ का कलेक्शन आज करने वाली है, जो इसके नेट कलेक्शन को कहीं ना कहीं 40 करोड़ के पास ले जाएगा, और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन इसका 50 करोड़ से लेकर के 55 करोड़ के बीच में, कम से कम 60 करोड़ तक जिसका जा सकता है। तो आज फिल्म हिट हो जाएगी और ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, नए कीर्तिमान, नए इतिहास लिख रही है हनुमान मूवी, ना केवल तेलुगु में बल्कि दोस्तों हिंदी में भी फिल्म के माइंड ब्लोइंग सुपर कलेक्शन आ रहे हैं। और ये सब बजरंगबली का प्रताप है, हनुमान का प्रताप है, और जिस प्रकार से सच्चे मन से इन्होंने फिल्म बनाई है, वाकई ही काबिले तारीफ है। मेकर्स को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, और दोस्तों आप सभी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ कि हनुमान मूवी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो हमारे इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भगवान है, उनकी महिमा का एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो वर्णन करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी तथा पोंगल की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। राम आ रहे 22 तारीख को, हनुमान जी आ चुके हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय हनुमान।